ठीक है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल आप देखोगे ना भाई, अल्टीमेट लुक आता है। यहाँ आप देख सकते हो, वैसे ये SUV है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कूपेश लुक आने वाला है अपने को, कुछ इस तरह मिलता है, कूपेश लुक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने को जगुआर का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, सिल्वर कलर का इस्तेमाल मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अलॉय व्हील्स की, तो अलॉय व्हील आप देख लो भाई, ड्यूल टोन अलॉय देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर अपने को जगुआर का लोगो मिल जाएगा, ऑब्वियसली गुडियर के टायर है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात की जाए, 255/55R19 मतलब 19 इंच का ये अलॉय देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे वाइपर्स की, तो वाइपर्स आप देख सकते हो अपने को, मतलब काफी प्रीमियम क्वालिटी के वाइपर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली एडास है, तो एडास के कैमराज यहाँ देखने के मिलेंगे, टी फोगर के साथ मिलता है। यहाँ पे मिरर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं, फोल्डेबल भी मिरर यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर अपने को 360 व्यू कैमरा का कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर यहाँ आप देख सकते हो सैटन सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल अपने को यहाँ पर भी मिलने वाले हैं स्किड प्लेट के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के रियर की, तो आप देख सकते हो इस गाड़ी का रियर कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। नो डाउटर जो इसका रोड प्रेजेंस है ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ अल्टीमेट रोड प्रेजेंस मिलने वाला है। जैगुआर यहाँ लिखा मिल जाएगा, जैगुआर का लोगो, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, और यहाँ पर हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाता है कुछ इस तरह। बाकी अगर मैं बात करता हूँ रियर वाइपर, वॉशर, डीफोगर मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर बात की जाए सेंसर्स की, तो 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पीछे भी मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जैसे इसके बूट को ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बूट देखने के लिए मिलता है अपने को, जिसके अंदर अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी सामान बैग वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अपने को स्पेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, लग्जरी ब्रांड के अंदर यहाँ पर ये एटलीस्ट स्पेयर व्हील मिलता है जो कि सेम साइज का रहने वाला है। हालांकि अलॉय नहीं मिलेगा ये, लेकिन एटलीस्ट अपने को मतलब सेम साइज का देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ 12 वाट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा अपने को। लगेज लैंप भी मिल जाते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे दो दो अपने को व्हाइट लाइट्स के साथ मिलते हैं, हुक्स भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर पाल शेल्टर मिल जाती है अपने को, इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक बटन दबाना है और इलेक्ट्रिक टेल गेट अपने को देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेल लैंप अपने को कुछ इस तरह मिलते हैं। LED का कंप्लीट सेटअप है ये अपने को, यहाँ पे कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है और ये अपना वॉशर के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये अपना कुछ रियर सेटअप हो गया। अब जैसे भी यहाँ ड्राइवर साइड डोर की तरफ आते हैं हम, पहले यहाँ देख लो अपने को फ्यूल टैंक राइट साइड में मिल जाता है, कैपेसिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हम ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं तो अपने को यहाँ पे ड्यूल टोन कलर का इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर मैं बता दूँ 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं अपने को। यहाँ पर अपने को बोटल होल्डर मिल जाता है काफी बड़ा, मरेडियन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 3 लेवल तक मेमोरी सीट आ जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे 1, 2, 3 मिल जाता है। और यहाँ पे मेमोरी सेट करने के लिए लॉक अनलॉक और ये डोर हैंडल मिल जाता है अपने को कुछ इस तरह। बाकी स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है। और सीट की बात करें तो सीट यहाँ पर कुछ इस तरह अपने को इलेक्ट्रिकली मिल जाती है, जिसके अंदर बात करते हैं मतलब पोजीशन की, तो 1, 2 थाई सपोर्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 12 वे एडजस्टेबल ये सीट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर अपने को पैडल्स कुछ इस तरह हैं, और डेड पैडल भी मिल जाता है, काफ़ी बड़ा डेड पैडल देखने के लिए मिलता है बाय द वे। और यहाँ पे लाइटिंग भी मिल जाती है अपने को। अब आप सोच रहे होंगे जैसे अगर अपने को हुड ओपन करना है तो यहाँ पर लीवर मत ढूंढना, इसके अंदर अपने को जो हुड ओपन करने के लिए लीवर मिलता है, जैसे यहाँ को ड्राइवर सीट की तरफ हम जाते हैं और को ड्राइवर सीट हम अगर डोर ओपन करते हैं तो अपने को यहाँ पर मिलता है भाई, इसको जैसे खींचेंगे तो हुड ओपन हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे जैगुआर एफ पेस का हुड ओपन करते हैं तो अपने को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे 2 लीटर का इंजीनियम इंजन देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर बेसिकली 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर डीजल, तो यहाँ पर दोनों की पावर एंड फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी इसको ओपन करना काफ़ी आसान है, काफ़ी बड़ा हुड है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही आसान है क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं यहाँ आप देख सकते हो दोनों तरफ, तो इसको ओपन करना काफ़ी आसान है। हुड इंसुलेटर गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, तो ऑब्वियसली जो इंसुलेशन को कम करता है गाड़ी की। और यहाँ पर इसको करते हैं हम बंद। अब एक्सटीरियर की बात हो गई, इंजन की बात हो गई, अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हो, आइए बात करते हैं इंटीरियर की।
लेट्स गो गाइस। इंटीरियर में सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील यहाँ देख सकते हो अपने को कुछ इस तरह मिलने वाला है। थ्री स्पोक स्टेयरिंग मिल जाता है बाय द वे यहाँ पे, और नो डाउट यार काफी प्रीमियम स्टेयरिंग है। यहाँ पे जगुआर का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर भी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है और पेडल शिफ्टर्स यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है। बटन है भी, मैं जैसे ऑन करूंगा अभी दिखाऊंगा इसको। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स के कंट्रोल, लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर अपने को वाइपर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर इस स्टेयरिंग को एडजस्ट करना है तो भाई अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलती है स्टेयरिंग के अंदर। एक बार जैसे यहाँ पे इसके पुश बटन को दबाते हैं, यहाँ पर इसका पुश बटन मिलता है बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऊपर भी कर, ऊपर कर सकते हो और नीचे कर सकते हो। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली होगा ये, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। मतलब सीट भी इलेक्ट्रिकल है, स्टेयरिंग भी इलेक्ट्रिकल है, पूरी पूरी प्रीमियमनेस अपने को यहाँ भर भर के मिल जाती है स्पेस के अंदर। और बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस चीज़ की, भाई ये चीज़ भाई बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल है। यहाँ पर अभी अपने को RPM के लिए मिल जाता है जो कि डिजिटल है। कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अपने को कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, ये बेसिकली क्रूज कंट्रोल भी अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अपने को वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल है, ये आप देख सकते हो जो कि मतलब इल्यूमिनेटेड है। तो यहाँ से आप कुछ भी बटन दबाएंगे, ये बाकी वॉल्यूम के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाती है। और जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे इसको सीट को हम पीछे कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे है तो एंगल सही नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्लाइंड्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो अपने को कुछ इस तरह ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, और ये अपने को यहाँ पे लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। वैनिटी मिरर है बेसिकली यहाँ पर अपने को, को ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, लाइट के साथ मिलता है। और यहाँ पर अपने को जो IRVM है, ये फ्रेमलेस IRVM देखने के लिए मिलेगा इसमें, मतलब किसी भी तरह का फ्रेम नहीं है, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये भी। और यहाँ पर अगर हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने हैं तो अपने को यहाँ पर बटन मिलेगा। AC वेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं, ये आप देखो जैसे कि ऐसा लगेगा कि ऑल द वे यहाँ पर जैसे इंटीग्रेट हो गए हों इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक आता है। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है, यहाँ पे आप स्टिचिंग देख सकते हो, यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है। यहाँ पर अपने को सिल्वर कलर का इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जैसे अगर मैं बात करता हूँ ग्लोब बॉक्स की, तो काफ़ी बड़ा ग्लोब बॉक्स मिलता है, और यहाँ पर भी जो मटेरियल यूज़ किया है काफ़ी प्रीमियम मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर अपने को फिजिकल लॉक भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस कंसोल की, तो यहाँ पर अब सबसे पहले अपने को गियर लीवर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर RNDSP मिल जाता है। मोड्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अपने को मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्राइव मोड वगैरह आप कर सकते हो यहाँ से कम्प्लीटली कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये सारे मोड्स मिल जाते हैं, तो इनको आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली सेट वगैरह कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर अपने को कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी अपने को वॉल्यूम कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो इसको वॉल्यूम कर सकते हो। बाकी वायरलेस चार्जर मिलता है, रेड कलर की लाइट मिलती है, और 4-Zone AC मिलता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसको 20 करा और यहाँ पे मैंने 18 कर लिया, तो मतलब ड्राइवर अपना अलग कर सकता है, को ड्राइवर अपना अलग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे भी, जैसे अभी मैं पीछे चलूँगा तो वहाँ दिखा दूंगा कैसे होता है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्लास देखने के लिए मिलता है, बेसिकली ये सनरूफ नहीं है, ये अपना मतलब मून रूफ है। और यहाँ पर मतलब ये ओपन नहीं होगा, ग्लास है लेकिन आप इसको ओपन नहीं कर सकते। तो आप मतलब रात में तारों का मज़ा ले सकते हो, या फिर आप रेनी सीजन में बारिश का मज़ा ले सकते हो, लेकिन इसको ओपन नहीं कर सकते। आप कर्टन हटा सकते हो खाली, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आप देख सकते हो कम्प्लीटली ब्लैक है यहाँ पर, अगर अपने को यहाँ टैन कलर देखने के लिए मिलता है। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, प्रीमियम है बाय द वे। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर क्या होगा। और इसमें आप थाई सपोर्ट और भी एनहेंस कर सकते हैं। बोल्स्टर की बात की जाए तो बोल्स्टर काफ़ी थिक है यहाँ पे, मतलब थिक इन द सेंस हार्ड है, तो ये मतलब अपने को हार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। जगुआर की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी अपने को, और यहाँ पर इसको एडजस्ट आप मैनुअली कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स की बात की जाए तो सॉफ्टली क्लोज होते हैं, और यहाँ पर माइक भी देखने के लिए मिल जाते हैं अपने को, दोनों तरफ माइक मिलते हैं। और अपने को पीछे भी देखेंगे है या नहीं, तो वो चीज़। और यहाँ पर बात की जाए हैंडरेस्ट की, तो ये स्लाइडेबल हैंडरेस्ट है अपना,
ठीक है, और काफी चौड़ा है, इसके अंदर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है अपने को यहाँ पे। इसके अंदर अपने को टाइप सी चार्जर भी मिल जाएगा, इसके अंदर अपने को यूएसबी चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे जो मटेरियल है वो भी प्रीमियम इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर इसको आप स्लाइड कर सकते हो जैसे। और बात करें अब इस टच स्क्रीन की, तो यहाँ पर अपने को यहाँ कुछ इस तरह फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे नेविगेशन, अकाउंट, सीट, क्लाइमेट, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वैले मोड भी मिलता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, लो ट्रैक्शन को लॉन्च भी मिलता है इसके अंदर, वॉइस, फोन, एयर क्वालिटी वगैरह, मीडिया, इको डाटा, तो ये सारे फंक्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो आप व्हीकल की मतलब ट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अपना 360 व्यू कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर, जो कि कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पर आप इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, यहाँ पर आप इसके अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे किसी भी उस पर टैप करोगे तो उस तरफ का कैमरा ऑन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ मतलब पीछे से व्यू चाहिए या फिर आगे से गाड़ी का व्यू चाहिए यहाँ से, तो अपने को यहाँ सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब किसी भी टाइट पार्किंग स्पॉट में आप फंसते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर आप सेंसर ऑन ऑफ भी कर सकते हो, 3D व्यू भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। और टच की बात करता हूँ, बहुत ही प्रीमियम टच है, काफ़ी स्मूथ टच है, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे इसके कंट्रास्ट है, काफ़ी अच्छे इसके रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियमनेस फील होने वाली है आपको जैगवार एफ पेस के अंदर। तो गाइज ये हुई बात ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड की, अब बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड की, लेट्स गो गाइज। ओके, तो पैसेंजर साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड डोर की। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो अपने को यहाँ पर कुछ इस तरह डोर देखने के लिए मिल जाता है, ड्यूल टोन का इस्तेमाल मिलता ही है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरह, जो कि आपका मूड और अच्छा करती है जब आप इस गाड़ी में राइड करोगे या ड्राइव करोगे। और यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाते हैं, प्रीमियम सराउंड सिस्टम के स्पीकर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे अपने को मेरिडियन की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह देख सकते हो कुछ इस तरह से टैन कलर के अंदर रहने वाली है, और ये भी अपने को टैन कलर में मिल जाता है। अब जैसे ही हम पीछे बैठते हैं तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को लाइट्स मिल जाती है, जो कि मेक श्योर करती है जब आप इसके अंदर बैठे हो तो मतलब पैर वगैरह कहाँ पर है वो चीज़ पता लग पाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अपने को नेट मिल जाता है कुछ इस तरह, देख सकते हो सामान वगैरह रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अपने को चार्जर मिल जाते हैं, जैसे टाइप सी चार्जर है, टाइप सी चार्जर है, और जैसे इसको यहाँ पे हटाएंगे तो 12 वॉट का सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है, तो मतलब चार्जर की कमी नहीं होने वाली। और जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो 4 जोन AC मिलता है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी तरफ का AC, या फिर जो आपके साथ पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो भी कंट्रोल कर सकता है अपनी तरफ का AC, ठीक है। यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं दो, जिनको यहाँ से आप क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। बाकी मून रूफ का मजा पूरा पूरा यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अपने को एयरप्लेन लाइट्स भी देखने के लिए मिलती है, दोनों तरफ मिलती है बाय द वे। ये यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स जो मिलते हैं काफी मतलब सॉफ्टली क्लोज होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह अपने को सॉफ्ट क्लोज ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीछे अपने को माइक मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ मिलते हैं, तो मतलब आप गाड़ी में कहीं भी बैठकर बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपने को। और यहाँ पर मतलब आप आसानी से किसी भी सीट पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बात वगैरह करने में ब्लूटूथ में, ठीक है। बात करते हैं सीट की, तो सीट आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह मिलती है अपने को, जिसके अंदर अपने को यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और 2 कप होल्डर के साथ मिलता है ये अपने को, ठीक है। यहाँ पे हेडरेस्ट की बात करते हैं तो 3 हेडरेस्ट मिलने वाले, तीनों ही एडजस्टेबल मिलते हैं। सीट की बात करते हैं तो ये 40-40-20 है, ये जैसे देख सकते हो 40% ये हो गई, ये 20% आई हो जाती है, उसी तरह ये 40% आई हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है बेसिकली, तो कुछ इस तरह रहने वाली है।